नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियों पर एक नजर। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने देशवासियों को भरोसा दिया है कि नए साल में बढ़ती महंगाई को हर हाल में रोक लिया जाएगा। देशवासियों के लिए तो नए साल की शुभकामनाओं के बीच पीएम ने भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगाने का संकल्प जताया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने साल 2011 को आतंकवाद के लिहाज से संवेदनशील साल घोषित किया है। देश में बढ़ रहे इस्लामिक चरमपंथियों की ताकत पर चिंता जताते हुए कैमरून ने कहा कि आतंकवाद के मुद्दे पर ब्रिटेन दोहरी लड़ाई लड़ रहा है। सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण की मांग कर रहे गुजरों ने भारत बंद की चेतावनी दी है। गुजरों ने दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना के बाद 3 जनवरी को प्रस्तावित भारत बंद रद्द करने का फैसला किया है। आरुषि हत्याकांड में क्लोज रिपोर्ट गाजियाबाद सीबीआई कोर्ट में दाखिल किया जा रहा है, जिसमें आरुषि के मां बाप तलवार दंपति पर शक की सुई घूम रही है। सीबीआई ने पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों पर दबाव डालने का आरोप लगाया है। और स्वामी नित्यानंद सेक्स स्कैंडल मामले से सुर्खियों में आई अभिनेत्री रंजिता ने विवादित वीडियो में होने से इनकार किया है। रंजिता ने नित्यानंद के पूर्व ड्राइवर विवादित वीडियो जारी करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम राशिफल 2011 में। आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। वर्ष 2011 में कैसी होगी ग्रहों की चाल, इसका क्या होगा आपके जीवन पर प्रभाव, आपकी राशि और जीवन पर क्या प्रभाव डालते हैं तारे, ये सब बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में पंडित ज्योतिषाचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। पंडित जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है और नए साल की भी ढेर सारी शुभकामनाएं जी सभी दर्शकों को, आपको भी। तो आपको बता दें दर्शकों कि आप पंडित से कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, जो भी जानना चाहते हैं। हमारे नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, हम आपको नंबर भी बता देना चाहेंगे 01203979868। हमारा दूसरा नंबर है 01203979848। और एक नंबर और है, इस पर भी आप कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं। कार्यक्रम के बाद आप कॉल करके पता कर सकते हैं कि आपकी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है और कैसा रहेगा आपके लिए 2011। तो वो नंबर भी हम आपको बताना चाहेंगे 9997241। तो चलिए पंडित जी, अपने कार्यक्रम की शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए ये साल कैसा रहने वाला है। देखिए, इस वर्ष में अलग अलग राशि वाले जातकों के लिए काफी उतार चढ़ाव भरा समय रहने वाला है। विशेषकर मेष राशि के जातकों के लिए यह वर्ष व्यावसायिक दृष्टिकोण से बहुत उत्तम रहने वाला है। इस वर्ष में व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, लाभपूर्ण स्थिति बनेगी। दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव आ सकता है। आप अगर वैवाहिक नहीं है, विवाहित नहीं है, तो आपके जो प्रेम प्रसंग है या जो आपके संबंध है अंतरंग, उसमें कुछ दिक्कत आ सकती है। तो इन तरीके के तनाव से आपको दूर रहना चाहिए। धार्मिक प्रवृत्ति हो सकती है, मन में धार्मिक कार्यों के प्रति रुचि रहेगी। इस वर्ष मेष राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्या कुछ ज्यादा परेशान कर सकती है और पारिवारिक कलह की संभावना बहुत ज्यादा है। कुटुंब में वाद विवाद की स्थिति, जिसे आपको बचाने का प्रयास करना चाहिए। विदेश यात्रा या विदेश से जुड़े आपके कार्य सिद्ध हो सकते हैं, धन लाभ की बहुत अच्छी संभावना बनती है। इस वर्ष में हनुमत आराधना करना मेष राशि के जातकों के लिए बहुत उत्तम लाभ देने वाला रहेगा। हाँ, तो पंडित जी, हम राशियों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हमारी कॉलर जुड़ चुकी है दुमका से, आशा जी हैं। आशा जी, पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहती हैं आप? मेरा जन्म 1/7/1977 है जी। मेरा भविष्य क्या है, क्योंकि हम दोनों में मियां बीवी तनी मनी टकराव होते रहता, कब तक ही शांति होगा घर में हम लोग का? देखिए, आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा कि आप माँ मंगला गौरी की आराधना करें। आपके दाम्पत्य जीवन का जो तनाव है वो दूर होगा। उसके साथ साथ अगर आप घर की सुख संपन्नता के लिए सुंदर कांड का पाठ करते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इन दोनों उपाय से आप अपने दाम्पत्य जीवन का जो तनाव है उसको दूर करने में सफल होंगे। आपका दाम्पत्य जीवन बहुत ही मधुर रहेगा। तो चलिए, आशा जी की समस्या का आपने समाधान कर दिया। हम भी उम्मीद करेंगे कि आपका जीवन जो है वो सुखमय जाए और खुशियां आपके जीवन में दस्तक दे। पंडित जी, हमारी दूसरी राशि की अगर बात की जाए तो कैसा रहने वाला है उनका साल?
देखिए वृषभ राशि के जातकों के लिए इस वर्ष जो है कुछ तनावपूर्ण हो सकता है। इस वर्ष में कुछ मानसिक तनाव की स्थिति आ सकती है। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो कार्य क्षेत्र में भी कुछ दिक्कत की स्थिति बनती है। आपको आपके जो उच्चाधिकारी हैं आपसे नाराज हो सकते हैं। यूं तो वृषभ राशि के जातकों के लिए भी ये वर्ष संभावनाओं से परिपूर्ण है। कार्य क्षेत्र के विस्तार के लिए बहुत अच्छा समय हो सकता है। इस वर्ष में आपको अपने कार्य क्षेत्र के विस्तार के बहुत अच्छे सुझाव मिलेंगे, बहुत अच्छे ऑप्शंस मिल सकते हैं। अगर आप अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करना चाहते हैं, आपको अपनी मेहनत का पूरा पूरा लाभ मिलेगा। अपने उच्चाधिकारी या आपके व्यापार में जो आपके सहयोगी लोग हैं उनसे एक अच्छा संबंध बना के रखने की आवश्यकता है। कहीं इस वर्ष में आपको अपने कार्य क्षेत्र में आर्थिक समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के समस्या या तनाव की स्थिति भी आ सकती है। यूं तो आपका आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत रहने वाला है। वृषभ राशि के जातकों के लिए आय के स्रोत भी बढ़ेंगे। वर्ष के उत्तरार्ध में आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आपके विरोधी आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे, आपके शत्रु आपके बने काम को बिगाड़ने का प्रयास जरूर कर सकते हैं, लेकिन वो निष्प्रभावी होंगे। अंततोगत विजय आपकी होनी है। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है यह वर्ष आपके पक्ष में जाने वाला है। जिन भी लोगों के आर्थिक कोई मुकदमे चल रहे हो, कोर्ट कचहरी के मुकदमे हो, तो वो केस भी आपके पक्ष में सुलझने वाले हैं। इस वर्ष में यदि आप भगवान शिव की अधिक से अधिक आराधना करते हैं, कुछ कच्चे दूध जैसे कोई भी द्रव्य अगर भगवान शिव पर अर्पित करते हैं या मिश्री का भोग लगाते हैं, भगवान शिव पर मधु अर्पित करते हैं, मधु से अभिषेक करते हैं, तो आपके जीवन में जो भी कष्ट है, परिवार में जो भी कष्ट है, वो आपसे दूर रहेंगे। तो कुल मिलाकर पंडित जी ये कह सकते हैं कि वृष राशि के लिए ये साल जो है अच्छा जाने वाला है। दर्शकों आपको बता दें कि हमारे नंबर भी लगातार टीवी पर फ्लैश हो रहे हैं, तो आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और कैसा रहेगा आपका साल 2011 इस बारे में पंडित जी से आप किसी भी तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं। पंडित तीसरी जो राशि है वो मिथुन है, उसके बारे में क्या बताएंगे? देखिए मिथुन राशि वाले जातकों के लिए इस वर्ष में काफी तनाव भरा स्थिति आ सकती है। आपको वर्ष के आरंभ में आय के साधन बढ़ते तो दिखेंगे, लेकिन आपके बने काम प्रभावित होंगे, बने काम रुक सकते हैं। दबाव में निर्णय लेने से आपको कोई बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान या कार्यक्षेत्र में विफलता जैसी स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है। तो इस वर्ष में मिथुन राशि के जातकों के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है कि दबाव लेने से बचें या दबाव की स्थिति में भी अपना धीरज न खोएं, धैर्य से निर्णय लें। संतान की तरफ से या परिवार की आवश्यकताओं जिम्मेदारियों पर कुछ धन व्यय होगा। संतान के व्यवहार से आपके सामाजिक मानसिक जो स्थिति है उसमें कुछ कमी आ सकती है, अर्थात कह सकते हैं कि संतान के व्यवहार से मन को भी ठेस पहुंचेगा और आपकी जो सामाजिक स्थिति है, आपकी जो समाज में मान सम्मान है, उसमें भी कहीं कोई कमी आ सकती है। तो अपनी संतान को नियंत्रित करना, उनको अच्छे संस्कार देना, वो सबसे ज्यादा आवश्यक है। घरेलू खर्च में वृद्धि हो सकती है। इस समय में मित्रों से वाद विवाद बहुत ज्यादा हो सकता है, तो अपनी वाणी पर विराम रखना, स्वयं के व्यवहार को बहुत ज्यादा नियंत्रित रखना आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होगा। इस वर्ष में यदि मिथुन राशि के जातक ओम गं गणपतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करते हैं, भगवान गणेश की आराधना करते हैं, विद्यार्थी अगर इस वर्ष में बहुत ज्यादा प्रचलित हो सकते हैं, मन में बहुत ज्यादा तनाव की स्थिति होगी विद्यार्थियों के लिए, मन में भटकाव की स्थिति बहुत होगी, तो ऐसी स्थिति में भगवान गणेश की आराधना करना किसी व्यापारी, किसी विद्यार्थी या किसी भी आम व्यक्ति के लिए मिथुन राशि के जातक के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। चले पंडित जी हम राशियों का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं। रांची से हमारी कॉलर है प्रिया। प्रिया पूछिए अपना सवाल। प्रिया अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो पूछिए अपना सवाल। डेट ऑफ बर्थ है 23। जी जोर से बोले। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 23 अगस्त 1980। जी 23 अगस्त 1980 प्लेस रांची। जी समय बता दें। शाम के 6:25 में। जी क्या जानना चाहते हैं? मेरा 2011 में आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा? देखिए आपकी कुंडली के अनुसार ये जो समय चल रहा है वो राहु की दशा चल रही है और ये समय काफी तनावपूर्ण रहने वाला है। मन में भटकाव की स्थिति हो सकती है। यूं तो जहां तक आर्थिक पक्ष की बात है आपको काफी सहायता मिल रही है आपकी अंतरदशा से, जो बुध की अंतरदशा है और बुध आपकी कुंडली के अनुसार भाग्य भाव का स्वामी है, तो कह सकते हैं ये समय आपके लिए बहुत उत्तम समय हो सकता है। थोड़ा सा भटकाव जरूर होगा,
यदि आप बहुत धैर्य के साथ निर्णय लेते हैं, अपने कार्य क्षेत्र को स्थापित करने का प्रयास करते हैं, तो आपको अच्छा आर्थिक लाभ मिल सकता है। व्यापार के फलने फूलने, आपके जॉब में भी लाभ की संभावना दिखती है, आपको कहीं सैलरी में इंक्रीमेंट मिल सकता है, पोस्ट आपकी बढ़ सकती है, पदोन्नति हो सकती है, इस प्रकार के शुभ समाचार आपको मिल सकते हैं। आपकी दशा को देखते हुए कहा जा सकता है कि आपको एक सात रत्ती का गोमेद धारण करना और हनुमान आराधना करना, हनुमान जी की आराधना करना, हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करना बहुत उत्तम रहेगा। चलिए, प्रिया जी की समस्या का तो आपने समाधान कर दिया और जाहिर तौर पर जैसा कि आपने बताया कि उनका आर्थिक पक्ष जो है वो अच्छा रहेगा। हमारे अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं, मुजफ्फरपुर से विजेंद्र है। विजेंद्र, पूछिए अपना सवाल। मुजफ्फरपुर से धीरेन्द्र कुमार जी, ये मेरा जन्म हुआ है 22 जनवरी 1980 को, दिन में 2:10 मंगलवार दिन है। दिन में 2:10 जी। मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार है, टीवीएस की जी। हाँ धीरेन्द्र कुमार, 2011 में लिए कैसा रहेगा और नौकरी के क्षेत्र में या बिजनेस क्षेत्र में आगे बढ़े, नौकरी भी हम कर रहे हैं। धीरेन्द्र जी, आपकी कुंडली के अनुसार केतु की महादशा में मंगल की अंतरदशा है, तो मैं कहना चाहूंगा कि इस समय में आपको अपने कार्यक्षेत्र को चुनने में या अपने कार्यक्षेत्र में बहुत ज्यादा कठिनाई की स्थिति बन सकती है। तो ऐसी स्थिति में मन में भटकाव की स्थिति होती है, परिवार में या अपने कार्यक्षेत्र में समय समय पर अंतर्द्वंद की स्थिति, तनाव की स्थिति और वाद विवाद की स्थिति आपके समक्ष होगी, तो जिससे आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। इस समय में अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना ज्यादा आवश्यक होता है। केतु के साथ मंगल की दशा होने से व्यक्ति अनायास उत्तेजित होता है, बिना बात के कहीं वाद विवाद हो जाता है, जिससे आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। उसमें नुकसान और उसमें हानि सिर्फ आपकी होनी है। इन सारी समस्याओं से बचने के लिए भगवान शिव की आराधना करना, ओम दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय मंत्र का 108 बार नियमित जाप करना आपको बहुत उत्तम लाभ दे सकता है। ये जो समय है, कहना चाहूंगा कि इसमें आपके खर्च बहुत ज्यादा रहेंगे, तो अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना आपके लिए अनिवार्य रहेगा। कार्य क्षेत्र में यदि आप व्यापार करते हैं तो पार्टनरशिप जॉब से, व्यापार से बचना चाहिए। चलिए, तो धीरेन्द्र जी की समस्या का भी समाधान आपने कर दिया पंडित जी। हमने आपको बता दिया दर्शकों कि हमारे नंबर लगातार टीवी पर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं और कैसा रहेगा 2011 इसके बारे में किसी भी तरह के प्रश्न आप पंडित जी से पूछ सकते हैं। फिलहाल यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे खास पेशकश में। दर्शकों, आपको एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि हमारे नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबरों पर कॉल कीजिए और 2011 कैसा रहेगा आपके लिए इस बारे में आप प्रश्न पूछ सकते हैं। पंडित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंडित जी, अगर हम अगली राशि की बात करें तो अगली राशि कर्क है, तो कर्क के जातकों के लिए क्या बताएंगे? देखिए, कर्क राशि वाले जातकों के लिए इस वर्ष के प्रारंभ में नौकरी पेशा लोगों के लिए पदोन्नति की संभावना बहुत अच्छी बनती है। मैं अपनी मेहनत से, पराक्रम से सामाजिक लाभ व मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होने वाली है। शत्रुओं पर विजय मिलेगी, पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी, सकारात्मक विचार से स्वयं में परिवर्तन महसूस कर सकेंगे। इस वर्ष के मध्य में व्यावसायिक प्रतिद्वंदी आपके बहुत ज्यादा खड़े हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, व्यवसाय में बड़े लाभ मिलने की संभावना बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए भी एक बहुत उत्तम समय होगा, इस समय में आपको नए अवसर प्राप्त होंगे, व्यवसाय में मेहनत का फल आपको बहुत अच्छा मिल सकता है। परिजनों के सहयोग से आप अपने कार्य क्षेत्र की वृद्धि कर सकते हैं। जो भी लोग वाहन या भवन भूमि प्राप्त करना चाहते हैं, यह समय आपके लिए बहुत उत्तम हो सकता है। सार्वजनिक और पारिवारिक जीवन में भी आपको यश कीर्ति मान सम्मान की प्राप्ति होने वाली है। कोई बड़ा खर्च इस वर्ष के अंत तक आपको तनाव दे सकता है, आपके जो भी बिगड़े काम है इस वर्ष में बन सकते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा, जिन लोगों के कोई कार्य बहुत पहले से रुके थे, बिगड़ गए थे, उनको सिद्ध करने का प्रयास करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। इस वर्ष का अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए आपको हनुमान आराधना करनी चाहिए। ओम हन हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप करना आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। उसके साथ साथ किसी भी हनुमान मंदिर में लाल चना अर्पित करना और उसके साथ साथ सिंदूर और चमेली का तेल दान करना हनुमान मंदिर में भी आपको लाभ देगा। पंडित जी, हमारे कॉलर भी जुड़ चुके हैं, पटना से आशुतोष हैं। आशुतोष, पूछिए अपना सवाल। जी पंडित जी नमस्कार। नमस्कार, बताएं। पंडित जी, जन्म तिथि है मेरा 6/8/77 जी, समय है 6:28 सुबह जी, और स्थान है पटना जी।
तो जैसा बताएं मेरा ये भविष्य 2011 का कुछ नौकरी से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, बच्चों परिवार से संबंधित। जी देखिए, आपकी जन्म कुंडली के अनुसार ये समय आपके पक्ष में चल रहा है। आपकी कुंडली में लग्न भाव का स्वामी चंद्रमा है और आपकी कुंडली में जो दशा चल रही है महादशा चंद्रमा की, अर्थात ये समय आपके पक्ष में लग्नेश की दशा है। इस समय में भगवान शिव की आराधना करना आपको सर्वोत्तम लाभ देने वाला रहेगा। तो भगवान शिव की अधिक से अधिक आराधना करें, भगवान शिव पर मीठे द्रव्य अर्पित करना, जैसे गन्ने का रस हो गया, शहद अर्पित करना किसी भी जातक के लिए आर्थिक पक्ष में वृद्धि करता है। तो भगवान शिव का सोमवार के दिन निरंतर अभिषेक करते रहना इस वर्ष में आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। अपने स्वास्थ्य को लेकर के या परिवार में माता के स्वास्थ्य को लेकर के कुछ चिंता हो सकती है, तो बहुत ज्यादा आपको तनाव लेने से बचना चाहिए। ये वर्ष आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। चलिए, इनकी समस्या का तो समाधान आपने कर दिया पंडित जी। हमारे अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं, विनोद है बक्सर से। विनोद, पूछिए अपना सवाल। हाँ पंडित जी, मेरा जन्म तिथि है 26 नवंबर 1989। जी, जन्म समय 2:57 सुबह में। जी, मैं जानना चाहता हूँ कि सरकारी नौकरी कब तक है और किस क्षेत्र में है, और ओवरऑल 2011 कैसा रहेगा। देखिए, आपकी कुंडली के अनुसार ये जो आपने प्रश्न किया कि सरकारी नौकरी का क्या योग बनता है, तो ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपकी कुंडली से सरकारी नौकरी का कोई बहुत अच्छा, बहुत मजबूत योग नहीं बनता है। तो यदि इस वर्ष में आप अपना कार्य क्षेत्र स्थापित करने का प्रयास करते हैं, कोई व्यापार वृद्धि का प्रयास करते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, तो आपको बहुत बढ़िया लाभ मिल सकता है। अध्ययन सामग्री अर्थात स्टेशनरी से जुड़ा हुआ कार्य, कोचिंग इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई से जुड़ा हुआ कार्य आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। पेपर्स से जुड़े हुए कार्य आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकते हैं। भोजन से, रेस्टोरेंट से जुड़े हुए कार्य क्षेत्र आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकते हैं। विद्या से संबंधित या धर्म से संबंधित, पूजा पाठ के संबंधित, वस्तुओं से संबंधित या किताबों से संबंधित व्यापार भी आपके लिए सर्वोत्तम रहने वाला है। तो इन सभी क्षेत्रों में से कोई भी एक व्यापार चुने, आपको बहुत उत्तम लाभ मिलेगा। चलिए पंडित जी, हमारे अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं, जमुई से हमारे कॉलर हैं, जमुई से हैं अरविंद जी। अरविंद जी, पूछिए अपना सवाल। जी, मैं अरविंद कुमार सिन्हा जमुई से बोल रहा हूँ। जी, और मेरा जन्म तिथि है 15 सितंबर 1965। जी, और जन्म स्थान है मुंगेर। जी जी, और समय है 4:25। जी, सुबह का या शाम का? सुबह 4:25 सुबह। जी जी, बताएं प्रश्न क्या है, किस विषय में जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं कि हम तो एक नियोजित शिक्षक हैं हाई स्कूल में। जी, और आर्थिक तंगी रहती है और थोड़ा सा बच्चे सब बीमार रहते हैं, इसी संबंध में पूछना चाहते हैं। देखिए, आपकी कुंडली में राहु की महादशा में बृहस्पति की अंतरदशा है, तो कह सकता हूं कि ये जो समय है बहुत अच्छा नहीं जा रहा है। तनाव की स्थिति है, स्वयं के स्वास्थ्य को लेकर के भी, विशेषकर उदर कष्ट से, पेट की समस्याओं से आप परेशान हो सकते हैं, आपके परिवार में लोग परेशान हो सकते हैं। ऐसा कहीं लगता है कि आपके परिवार में कोई अकारण कम उम्र में देहांत हुआ, कोई मृत्यु हुई है जिसका दोष आपको लगा हुआ है। तो इस परिस्थिति में आपको त्रिपिंडी श्राद्ध एक बार अवश्य कर लेना चाहिए, अपने पितरों के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आपके परिवार का भी कल्याण उससे जुड़ा हुआ है। इस वर्ष में आपको अच्छी उपलब्धि हो सकती है अपने कार्य क्षेत्र में, आपको एक गोमेद धारण करना चाहिए और यदि संभव हो सकता है तो ओम रंग राहवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करने के साथ साथ सुंदरकांड का भी पाठ करें, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। चले पंडित जी, हमारे अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं, लगातार हमारे कॉलर्स जुड़ रहे हैं। लखीसराय से राजू हैं, राजू पूछिए अपना सवाल। जी, मेरा जन्म 16 नवंबर 1989 को शनिवार शाम 4 बजे। जी जी, राजू जी, हम चाहेंगे कि आप अपने टीवी की वॉल्यूम स्लो कर दें। राजू, आप अपना प्रश्न बताएं, क्या जानना चाहते हैं? जी, मेरा 2011 कैसा रहेगा। देखिए, आपकी कुंडली के अनुसार 2011 आपके लिए सर्वोत्तम वर्ष रहने वाला है। इस वर्ष में आपकी भाग्योदय की स्थिति बनती है, आपके सारे रुके हुए कार्य अपूर्ण कार्य सिद्ध हो सकते हैं। यदि आप अभी कार्य क्षेत्र में, कहीं भी किसी कार्य क्षेत्र में नहीं है, तो आपको एक अच्छा काम मिल सकता है, एक अच्छी दिशा मिल सकती है अपने जीवन को सिद्ध करने के लिए, स्थापित करने के लिए। बृहस्पति की दशा चल रही है और बृहस्पति आपकी कुंडली के हिसाब से भाग्य भाव का स्वामी है, अर्थात इस वर्ष में आपको अपने भाग्य का बहुत बल मिलने वाला है। तो आप अपनी मेहनत से पीछे न हटें,
पूरी मेहनत के साथ लगे, ये वर्ष आपके पक्ष में रहने वाला है। भगवान विष्णु की आराधना करना, किसी ब्राह्मण को बृहस्पतिवार के दिन कुछ पीली चीजों का दान करना, उनको भोजन कराना आपके लिए लाभकारी रहेगा। हमारी अगली कॉलर भी जुड़ी हुई है, प्रगति है पटना से। प्रगति पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहती हैं आप? जी पंडित जी, मेरा नाम प्रगति है जी, और मेरा जन्म समय 16 फरवरी 1984 को है जी, और मैं भागलपुर बिहार में जन्मी हुई हूँ जी। तो समय बता दें, समय 10:10 सुबह का है या शाम का? सुबह का, सुबह का जी। जी मुझे ये जानना है कि मेरी 2 साल करीब शादी हुई है जी, तो मेरा अपने पति के साथ जीवन कैसा रहेगा, और क्या इस वर्ष उन्हें सरकारी नौकरी प्राप्त होगी, उन्होंने रेलवे का एग्जाम दिया है, उसके बारे में मुझे जानना है। देखिए आपकी कुंडली के अनुसार, आपकी कुंडली के सप्तम भाव में शनि और मंगल की युति हो रही है, जो किसी भी दाम्पत्य जीवन के लिए ज्योतिष के लिहाज से ठीक नहीं माना जाता। यूं तो आपकी दशा शुक्र की है, कह सकता हूं कि आपका अपने दाम्पत्य जीवन में अभी तक जो समय रहा है बहुत अच्छा रहने वाला है। कुछ उतार चढ़ाव, कुछ तनाव की स्थिति अवश्य आई होगी, क्योंकि उसके साथ साथ राहु की अंतरदशा है। तो ये जो आपकी कुंडली में सप्तम भाव में मंगल और शनि की युति हो रही है, इसको दूर कर लेना, इनकी शांति करा लेना, जाप करा करके बहुत ज्यादा अनिवार्य होगा, क्योंकि आगे आने वाले समय में, आने वाले जीवन में, आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत ज्यादा तनाव हो सकते हैं, स्थितियां बहुत विपरीत हो सकती हैं। जहां तक पति के कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ प्रश्न है, तो कह सकता हूं कि अच्छे लाभ की स्थिति दिखाई देती है, बहुत बढ़िया कार्य क्षेत्र सिद्ध हो सकता है। इस समय में आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर के भी बहुत ज्यादा कष्ट हो सकता है, आपको शीत प्रकोप से बहुत ज्यादा बच के रहना चाहिए। आपको दोनों पति पत्नी को मां मंगला गौरी की आराधना करना, शिव परिवार की आराधना करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। चलिए, तो लगातार हमारे कॉलर्स जुड़ रहे हैं और अपनी समस्याओं का समाधान भी आपसे पा रहे हैं। पंडित जी, इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ लेंगे फिर से एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे खास पेशकश में। दर्शकों, आपको बता दें, लगातार हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, आप इन नंबरों पर कॉल कीजिए, और कैसा रहेगा आपके लिए 2011 इस बारे में पंडित जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं, पंडित जी पटना से है, पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं पटना से चंदन बोल रहा हूँ जी। मुझे पूछना है कि मेरा डेट ऑफ बर्थ 16 नवम्बर 1985 जी, और मुझे जॉब कब तक लगेगी? समय बता दें। समय 4:20 है सुबह जी। देखिए आपकी कुंडली मेरे समक्ष है, आपकी कुंडली के अनुसार कन्या लग्न की आपकी कुंडली बनती है, और आपकी कुंडली से जो आपकी राशि है वो धनु राशि है, और इस समय दशा चल रही है चंद्रमा की, तो कह सकता हूं कि आय के साधन बढ़ने के बहुत उत्तम योग बन रहे हैं, लेकिन अपनी स्थिति को लेकर के, अपनी आर्थिक सामाजिक स्थिति को लेकर के मन में कुछ घबराहट सी है, बहुत ज्यादा तनाव की स्थिति, तो तनाव लेने से बचिए, दृढ़ निश्चय के साथ अपने कार्य क्षेत्र में लगेंगे तो आपको बहुत उत्तम लाभ मिलेगा। चलिए, तो हमने इनकी समस्या का समाधान कर दिया। पंडित जी, अगर हम बात की जाए पहले की, तो हमने कर्क राशि पर ही अपने राशिफल को रोक दिया था, और अगली राशि जो है वो सिंह है, तो सिंह के जातक। देखिए सिंह राशि वाले जातकों के लिए ये वर्ष बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस वर्ष में आपको कुछ नई जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ सकता है, इस वर्ष में आपके लिए काफी सकारात्मक चीजें होने वाली हैं, तो कार्यक्षेत्र का विस्तार या नए कार्य का आरंभ का अवसर भी आपको मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जिन लोगों के स्वास्थ्य की समस्या बहुत समय से थी वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन मानसिक तनाव व चिंता बनी रह सकती है अपने परिवार को लेकर के, अपने कार्यक्षेत्र को लेकर के। नौकरी पेशा वाले जातक लोगों के लिए इस समय में, इस वर्ष में बहुत अच्छे संभावना मिलने के योग दिखाई देते हैं। नौकरी अगर आप बदलना चाहते हैं, कार्यक्षेत्र में परिवर्तन की भी यात्रा है। विदेश संबंधी जो काम करते हैं, यात्रा संबंधी लाभ भी आपको मिलेगा, विदेश संबंधित भी कोई बड़ा कार्य आपका सफल होने वाला है। वर्ष के अंत तक अर्थात कह सकते हैं सितंबर के बाद से आपको कोई बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है या अनावश्यक खर्च आ सकता है, तो आपको बहुत सोच समझ करके निवेश करना चाहिए, धन संचय करें, खर्च पर नियंत्रण रखें। इस वर्ष में आप अपने मित्रों के कारण किसी गंभीर समस्या में आ सकते हैं, तो आपको जो अपनी संगत है वो बहुत साफ सुथरी रखनी होगी, अपनी मेहनत अपने पराक्रम से ही आपको लाभ मिलेगा। इस वर्ष को अच्छा बनाने के लिए सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्योपासना करना, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना और सूर्य देव को अर्घ देना बहुत उत्तम रहेगा। चलिए, सिंह राशि के जातकों की बात आपने बता दी। हमारे अगले कॉलर जुड़ चुके हैं पटना से, सत्यम। सत्यम पूछिए अपना सवाल। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। हेलो जी, बताइए, सुन रहा हूँ।
मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 15 जनवरी 1983। जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ मेरा प्रोफेशनल करियर कैसा रहेगा, करियर ग्रोथ इस साल कैसा रहेगा मेरा। सत्यम अपनी बर्थ टाइम बताइए। 2:45 सुबह का या शाम का? सुबह का। ठीक है सत्यम, आपकी कुंडली के अनुसार तुला राशि की कुंडली बनती है और आपकी कुंडली में उच्च का शनि, आपके तुला लग्न की कुंडली बनती है, माफ करें, लग्न में उच्च का शनि बैठा हुआ है और मकर राशि है, और ये जो समय है राहु की महादशा में बुध की अंतरदशा है, तो कह सकता हूं कि इस वर्ष में आपको अपने परिवार से दूर रहना या कहीं अपने जन्म स्थान से बाहर जाकर के काम करने की स्थिति बनती है, आपको अपने जन्म स्थान से बाहर निकलना होगा, आपका करियर बहुत अच्छा हो सकता है। और उसके साथ साथ जो बुध की दशा है, बुध आपकी कुंडली में भाग्य भाव का स्वामी है, तो अपने परिवार से जुड़ी कुछ शुभ सूचनाएं भी, आपको शुभ समाचार भी मिल सकते हैं या आपकी मेहनत से आपके परिवार का कल्याण हो सकता है। तो मेरी तरफ से आपको सजेशन ये है कि यू मस्ट मूव आउट टू योर हाउस, आप अपने जन्म स्थान से बाहर निकलें, आपका कार्य क्षेत्र आपके लाभ के लिए इंतजार कर रहा है। और हम पंडित जी, हमारे अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं, बलिया से शैलेश है। शैलेश पूछिए अपना सवाल। जी पंडित जी नमस्कार। नमस्कार बताएं। पंडित जी मेरा राशि जो है सिंह राशि है जी, और मैं बढ़िया से बिलोंग करता हूँ, आप बताइए 2011 पंडित जी मेरे लिए कैसा रहेगा। शैलेश जी मैंने अभी अभी बताया कि सिंह राशि वाले जातकों के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है, आपको करना बस इतना है कि भगवान सूर्य की आराधना करें, सूर्य को अर्घ दें, ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें, या संभव हो सकता है तो गायत्री मंत्र का जाप इस वर्ष पर्यंत करें, आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। चलिए पंडित जी, आपने हमारे जितने भी कॉलर्स उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं और लगातार बता रहे हैं कि कैसा रहने वाला है उनका जो साल 2011। अगर अगली राशि की बात की जाए तो हमने सिंह पर आकर, और चलिए राशि के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हमारे अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं। पटना से पूछिए अपना सवाल। मेरा नाम प्रियंका है, डेट ऑफ बर्थ 1973 है, 5:25। तारीख और महीना भी आवश्यक होता है। सुबह में 11 सितंबर है जी, 11 सितंबर जी, सुबह में 5:25 1973 जी। किस विषय में जानना चाहती हैं? जी मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा 2011 कैसा रहेगा। प्रियंका जी आपकी कुंडली के अनुसार आपकी कुंडली में शनि की महादशा में शनि की अंतरदशा है, शनि आपकी कुंडली में छठे और सप्तम भाव का स्वामी है, तो कह सकता हूं कि इस समय में आपको कुछ आर्थिक समस्याएं पारिवारिक समस्याएं सामने आ सकती हैं, लेकिन अपनी मेहनत से अपने पराक्रम से अपने प्रयास से आप उन समस्याओं से निकल जाएंगी। अपने कार्यक्षेत्र की बातें, अपने परिवार की गुप्त बातें हर व्यक्ति से चर्चा न करें, अन्यथा वो आपके शत्रु तक पहुंच करके आपके बने काम प्रभावित हो सकते हैं, आपके परिवार में कलह के और कारण बन सकते हैं। इन सारी चीजों से बचने के लिए मां दुर्गा की आराधना करना इस वर्ष में आपके लिए सर्वोत्तम रहने वाला है। चले पंडित जी, हमारे अगले कॉलर जुड़ चुके हैं शिलोंग से, राजकिरण पूछिए अपना सवाल। जी पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 28 दिसंबर जी, 1980। राजी हम चाहेंगे कि अपने टीवी की वॉल्यूम पहले कम कर दें। समय बता दें। राजी हम चाहेंगे कि पहले कम कर दें। अच्छा कर रहा हूँ। हाँ 19। समय बता दीजिए। हेलो जन, समय बताइए। 2:10 जी। किस विषय में जानना चाहते हैं? तो मुझे जानना है कि ये 2011 मेरे लिए कैसा रहेगा, कोई चीज में भी हाथ डालता हूँ सफल नहीं हो पाता है। देखिए इस वर्ष में आपके कुछ बने काम से दो बिगड़े काम से दो सकते हैं, इस वर्ष में थोड़ा भागदौड़ ज्यादा रहेगी तो बहुत ज्यादा तनावग्रस्त होने से बचना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी समस्या विशेषकर शरीर में कमर से नीचे के स्थान में चोट चपेट एक्सीडेंट की भी स्थिति दिखाई देती है, तो वाहन का प्रयोग बहुत सावधानी से करें। इस वर्ष में आपको हनुमत आराधना करना ही, भगवान हनुमान की आराधना और सेवा करना ही आपको लाभ देने वाला है, तो बस आपको ये जान लेना चाहिए कि अब आपका जो भी भाग्योदय का रास्ता है वो आपके आसपास जो भी हनुमान जी का मंदिर है वहां से निकलता है, तो हनुमत आराधना करें, हनुमान जी की पूरे मन से निष्ठा से सेवा करें, आपको जल्दी ही लाभ मिलेगा। चलिए पंडित जी, हमारे अगले कॉलर जुड़ चुकी हैं धनबाद से, सीमा जी हैं। सीमा जी पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहती हैं?
जी मैं अपने इस 11 का भविष्य जानना चाहती हूँ। जी समय बताइए, जन्म समय तारीख बताइए। 29 जुलाई 80। जी समय बताएं। समय 10:35 सुबह में। जी 10:35 सुबह। देखिए आपकी कुंडली के अनुसार ये समय आपके पक्ष में रहने वाला है, ये बहुत अच्छा समय रहेगा। तो आपको पूरी निष्ठा से अपने परिवार में बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, अपने गुरु की सेवा करना बहुत अच्छा लाभ देने वाला है। पीले वस्त्र का प्रयोग, पीली चीजों का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में बढ़ा दें, आपको लाभ मिलेगा। चलिए हमने सीमा जी की समस्या का पंडित जी ने अपने समाधान कर दिया है। हम अपनी राशियों की अगर बात की जाए तो हम उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कन्या राशि अब आती है, तो क्या कहेंगे कन्या राशि के बारे में? देखिए कन्या राशि के जातकों के लिए इस वर्ष कई सारे अपूर्ण कार्य सिद्ध होने वाले हैं। जो कार्य रुक गए थे, बिगड़ गए थे, वो सिद्ध हो जाएंगे। कार्य क्षेत्र में कुछ तनाव, कुछ उलझन हो सकती है, तो इसमें बहुत ज्यादा तनावग्रस्त नहीं होना चाहिए। व्यापारिक यात्राएं होंगी जिसमें नवीन संबंध स्थापित होंगे, तो उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा व्यक्ति आपके कार्य क्षेत्र के लिए ठीक है। पिता से वाद विवाद या पिता के स्वास्थ्य को कुछ खतरा हो सकता है, तो परिवार के साथ आपको समय व्यतीत करना भी आवश्यक रहेगा। उत्तेजना पर, क्रोध पर नियंत्रण रखना आपके लिए सबसे ज्यादा अनिवार्य है। इस वर्ष के अंत तक आपको कुछ आर्थिक मामलों में सुधार की स्थिति मिल सकती है। सामाजिक छवि आपकी धूमिल करने का प्रयास किया जा सकता है। कुछ गंभीर आरोप प्रत्यारोप या लांछन की भी स्थिति आ सकती है, तो जिससे आपको वाद विवाद से बचना है। इस वर्ष को सफल बनाने के लिए भगवान गणेश की आराधना करना, गणपति आराधना करना आपके लिए सर्वोत्तम रहने वाला। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश में। आपको एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि हमारे नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। और कैसा रहेगा आपके लिए 2011 इस विषय में किसी भी तरह के प्रश्न आप पंडित सी से पूछ सकते हैं। हमारे अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं, धनबाद से हमारे कॉलर हैं। पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? जी नमस्ते पंडित, नमस्कार बताएं। जी मेरा डेट ऑफ बर्थ 27 दिसंबर। 27 दिसंबर डेट ऑफ बर्थ 27 दिसंबर। साल बताइए। 1996। जी 1996। जी मैं डेट दिन है शनिवार। जी और टाइम ऑफ बर्थ है 6:15 PM। जी 6:15 PM। जी जी समझ गया। आप अपना प्रश्न बताइए। जी मेरा नौकरी उपरी कब लगेगा, 2011 में कैसा रहेगा? देखिए इस वर्ष में आपको बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन आपको प्रयासरत रहना चाहिए। आपके लिए ये साल बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है। इस समय में आपकी शनि की महादशा चल रही है और शनि आपकी कुंडली से भाग्य भाव का स्वामी है, तो कह सकता हूँ बहुत अच्छा समय है। आपको परेशान नहीं होना चाहिए। जो भी आर्थिक समस्या थी, जो भी कर्ज की स्थिति, तनाव की स्थिति थी, या रोग या स्वास्थ्य संबंधी समस्या थी, उन सभी चीजों से आप छूट जाएंगे। आपके शत्रु आपसे परास्त रहेंगे, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। शनि की आराधना करें, ओम शन शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना, हनुमत आराधना करना, भगवान शिव के मंदिर में जाना, आपको लाभ देगा। पंडित जी हमारे अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं, गया से हमारे कॉलर हैं राकेश जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी। हाँ पंडित जी नमस्कार। नमस्कार जी, मैं गया से बोल रहा हूँ। बताइए। 28/2/1991 मेरा जन्मदिन है जी, और मेरा तुला राशि है जी। आप मुझे अपना समय बता दें। शाम में। समय बता दीजिए, शाम में कुछ समय होगा। 7 बजे। जी जी। देखिए आपकी कुंडली के अनुसार ये समय कह सकता हूँ कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परिपूर्ण हो सकता है, लेकिन अगर इस समय में प्रयास किया जाए तो आपके जो भी रुके हुए कार्य हैं, बिगड़े हुए कार्य हैं, या आपका कहीं पैसा रुका हुआ है, तो वो आपको प्राप्त हो सकता है। आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ यह समय बहुत अच्छा है, तो इस समय में आपको अच्छी उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं। हमारे अगले कॉलर जुड़ चुके हैं पंडित जी, गया से राकेश जी हैं। राकेश जी पूछिए अपना सवाल। राकेश जी हम चाहेंगे सबसे पहले तो अपने टीवी की वॉल्यूम कम कर दें, उसके बाद पूछिए अपना प्रश्न। राकेश जी हम चाहेंगे सबसे पहले तो अपने टीवी की वॉल्यूम कम कर दें। तो इनसे हमारा संपर्क पंडित जी लगता है टूट गया है। अगर हम अगली राशि की बात करें तो तुला राशि की बारी आती है, तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा ये साल? देखिए तुला राशि के जातकों के लिए इस वर्ष स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बहुत ज्यादा
परेशान कर सकती हैं। तो आपको अपनी दिनचर्या को बहुत नियमित रखना होगा, आपको सावधान रहना होगा। इस वर्ष की शुरुआत में घरेलू उलझनें जो हैं आपको तनाव दे सकती हैं। आकस्मिक धन लाभ होना या बकाए धन की प्राप्ति के लिए यह वर्ष बहुत अच्छा है। जिन भी लोगों के कोई पेमेंट्स रुकी हो तो इस वर्ष में आपको प्रयास करना चाहिए। दाम्पत्य जीवन कुछ तनावपूर्ण हो सकता है तो उसको मधुर बनाने का प्रयास करें। वर्ष के मध्य में आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। धन का व्यय बहुत ज्यादा होगा तो अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना बहुत ज्यादा आपके लिए लाभकारी रहेगा। उच्च अधिकारियों से कुछ नाराजगी झेलनी पड़ सकती है तो कुछ ऐसा कार्य न करें कि उनको नाराज होना पड़े। अपने कार्य क्षेत्र को बहुत ही बैलेंस तरीके से करना चाहिए। तुला राशि के जातकों के लिए किसी ब्राह्मण को सफेद वस्तुओं का दान, दही चीनी चावल का दान करना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। ओम शुम शुक्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना या मां लक्ष्मी की आराधना करना, श्री सूक्त और का पाठ करना आपको बहुत उत्तम लाभ देगा। चलिए हमने तुला राशि की बात कर ली पंडित जी, हमारे अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं। धनबाद से शंकर जी हैं। शंकर जी पूछे अपना सवाल। जी सर, मैं शंकर जी बोल रहा हूँ। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 21/9/77 का है जी, और मुझे मेरा कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। बहुत अच्छे से अच्छे बिजनेस डीलिंग भी हो रही है लेकिन सक्सेस नहीं कर रहा है सर। शंकर आप मुझे अपना समय बता दें। 1:20 दिन बुधवार है। दिन का है या रात का है? ये दिन का है सर जी। हेलो जी, सुन रहा हूँ शंकर। आपकी जन्म कुंडली के अनुसार ये जो दशा चल रही है वो मंगल की दशा है और आपकी कुंडली में मंगल व्यय भाव का स्वामी है। ऐसे तो मंगल आपकी कुंडली में पंचम भाव अर्थात सुख भाव का भी स्वामी है, लेकिन आपके कार्य क्षेत्र में नुकसान की स्थिति बहुत ज्यादा है क्योंकि मंगल जो है सप्तम भाव में बृहस्पति के साथ युति कर रहा है। आपकी जो राशि बनती है वो धनु राशि है तो मंगल की युति बृहस्पति के साथ सप्तम भाव में होने से कह सकता हूं कार्य क्षेत्र हमेशा डगमगाता रहता है। बृहस्पति के बारे में कहते हैं कि जिस स्थान पर बैठता है उस स्थान की हानि करता है, तो सप्तम भाव जो है वो व्यापार या पार्टनरशिप जॉब के कभी भी फ्रूटफुल नहीं होता। अगर वहां पे बृहस्पति बैठ जाए तो आपके कार्य क्षेत्र में खर्च बहुत ज्यादा होगा। खर्चों पे नियंत्रण रखना बहुत अनिवार्य है। सुंदर कांड का पाठ करना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है शंकर। चलिए पंडित जी, हम राशि के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारी अगली राशि है वृश्चिक, तो वृश्चिक के जातक के लिए कैसा रहेगा 2011? देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 2011 नई ऊर्जा का संचार लेकर के आ रहा है। इस वर्ष में आपके जितने भी बिगड़े हुए कार्य हैं वो सिद्ध हो जाएंगे। शिक्षा के दृष्टिकोण से यह वर्ष विद्यार्थियों के लिए बहुत सकारात्मक रहने वाला है, बहुत अच्छा रहने वाला है। जो भी कटु संबंध थे, जिन संबंधों में बहुत ज्यादा तनाव युक्त हो गए थे, वह संबंध मधुर होंगे। विवाह के जो भी अविवाहित लोग हैं उनके लिए विवाह के बहुत उत्तम योग बनते हैं इस वर्ष में। किसी भी दूसरे के मामले में हस्तक्षेप करने से, क्रोध और उत्तेजना से आपको बचना चाहिए। आपके ऊपर कोई कोर्ट कचहरी के भी अनायास के मामले आ सकते हैं। व्यापारिक ऋण की भी स्थिति बनती है जिससे आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। इस वर्ष के अंत तक आपको बहुत अच्छा आर्थिक लाभ मिल सकता है। इस वर्ष को और उत्तम बनाने के लिए भगवान श्री राम की आराधना करना, ओम रांग रामाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना, दूध में हल्दी मिला करके थोड़ा सा भगवान शिव पर अभिषेक करना और सुंदरकांड का पाठ करना भी आपको बहुत उत्तम लाभ देगा। चलिए पंडित जी, हम लगातार लोगों की समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं। जितने भी हमारे दर्शक हमें कॉल कर रहे हैं, ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, लेकिन फिलहाल फिर से लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटते हैं।